अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज हमारी डव की टोकरी खाली है। मैं सुबह सुबह जब आया तो बहुत ज़्यादा डर गया कि यार हमारे डव का बच्चा, मेरे ख्याल में कबूतर का बच्चा कहाँ चला गया, कहाँ गया, नज़र नहीं आ रहा था यार। फिर मैंने गौर किया था, हमारे डव का बच्चा इसी मास्टर केज में मौजूद था और अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों अब थोड़ा थोड़ा उड़ता भी है। अब देखें दोस्तों, यहाँ पर बैठा हुआ हमारे डव का बच्चा माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा हो रहा है यार। आई थिंक दोस्तों, ये एक से दो दिन के अंदर अब चुगने भी लग जाएगा। तो चलिए दोस्तों, बाय। यार सिप्ते, जो हमने कल ये वो अंडा रखा था ना सुबह, जब मैं देखने आया तो एक ही अंडा रखा हुआ था, दूसरा गायब है। पता है क्या, वो अंडा ही खराब है। अंडा खराब हमें नहीं पता चल रहा, क्योंकि फिंचिस का उनको पता चल जाता है कि भाई हमारा अंडा सही है नहीं है, वो फेंक देती हैं। पता नहीं दोस्तों क्या सीन था उस अंडे के साथ, पहले भी नीचे पड़ा हुआ था, मैंने इस घर के अंदर वापस रखा तो वो अब वो अंडा एक गायब है। चेक करो, शायद आ गए हो। नहीं है अंडा, नहीं है। यार शिराजी कबूतरी काफी दिनों से नेस्टिंग पर आई हुई है तो अभी तक इसने यार अंडे नहीं दिए, तो परेशानी हो रही है कि यार ऐसा क्यों कर रही होगी। लेकिन दोस्तों अभी हमारी एक और कबूतरी ने अंडा दिया हुआ है, तो वो देखें दोस्तों, हमारी इस कबूतरी ने अंडा दिया हुआ है और इसके बच्चे भी दोस्तों बड़े हो गए। इनको आज हम बाहर छोड़ते हैं, देखते हैं कि इनकी उड़ान कैसी है। और ये देखें दोस्तों, हमारी इस कबूतरी ने फिर से अंडे दे दिए हैं माशाल्लाह से। और अभी दोस्तों अंडा एक है, कल ये और देगी। और इसका साइज़ देखें दोस्तों, बहुत बड़ा है, तो ये हम वापस रख देते हैं। चलो, तो ये देखें दोस्तों, ये जो डव का बच्चा है ना, ये उसी तरह से है ये बच्चा। तो ये मैं इनको छोड़ता हूँ यहाँ पर, ये खाना खाएगा और वो बच्चा मैं लेकर आता हूँ। सेम टू सेम शक्लें दोनों की मैं यहाँ पर बिठा देता हूँ दोनों को, ये उड़ेंगे तो नहीं। यहाँ पर दोस्तों ये भी बिठा देता हूँ मैं, और इस वाले डव के बच्चे को भी बिठा देता हूँ। आप देखिएगा दोस्तों, दोनों की शक्लें सेम टू सेम है, कोई फ़र्क नहीं है। और मैं जो सोच रहा हूँ दोस्तों कि हम इनका आपस में जोड़ा लगाएंगे। और ये डब का बच्चा भी दोस्तों मैं बिठा देता हूँ यहाँ पर। मारेगा ये? नहीं, ये नहीं मारेगा, इसको रख दो। पता है क्या होगा तो आप, ये देखो सेम यार कॉपी, वो देखो वो देखो। उड़ते हैं भाई। अच्छा, इनको देख के ये भी चुगना स्टार्ट कर देगा और ये भी इंडिपेंडेंट हो जाएगा, क्योंकि डब अच्छे से नहीं पाल सकती ना इसको। और इनका दोस्तों वही हाल फिर से शुरू हो गया, बहुत ज़्यादा शोर कर रही हैं। तो आज हम इस कबूतर को दूसरे डब्बे में बंद करते हैं। तो दोस्तों कबूतर को मैंने पकड़ लिया है और इस कबूतर को फिर से हम इस खाने में शिफ्ट करते हैं। और ये कबूतर दोस्तों गया इस डब्बे में, वो देखो कबूतरी आ गया इसको मारने के लिए। क्या हो गया, अंडे को छोड़ के यार आ गई। तो दोस्तों ये हमारे व्हाइट कबूतर के बच्चे, और इनको दोस्तों हम डव का बच्चा कहाँ गया सिप्तान? पता नहीं, ओ नीचे गिर गया क्या? नहीं नीचे तो नहीं है, हैं डव का बच्चा ये वो दूसरे है ना। हाँ ये ऊपर भी नहीं है भाई, इधर उधर छुपा हुआ होगा ना यार, डर जाते हैं इसको ना। तो यार धूप में रख दे। हाँ ये वाले धूप में रख दे यार, डर लग रहा है कहीं चला तो नहीं गया। नहीं नहीं कहीं नहीं जाता, इधर भी नहीं है। ये है, ये है, ये कहाँ? ये दोस्तों, अच्छा बेचारा डर गया था यार, इधर बिठा दो इनके साथ। इनका अब वही हल है जो मैंने बोला था ना आपको, अगर पर काटने के बाद भी ये शोर करते हैं तो हम इनको ज़िबा कर देंगे। तो गुना फॉल दोस्तों हमारे सेटअप की कुछ ही दिन की मेहमान है। तो सारे कबूतरों के बच्चे दोस्तों धूप में आ गए, तो वो देखे सामने आराम से बैठ रहे हैं। इनकी उड़ान दोस्तों काफ़ी अच्छी होती जा रही है दिन ब दिन। और हमारे डब का बच्चा दोस्तों अभी देखें खुद को खारिज कर रहा है, मतलब रिलैक्स ये फील कर रहा है। और ये दोस्तों हमारे सफ़ेद कबूतर के बच्चे यार, इनको दाने निकल रहे हैं, इनका इलाज मुझे अब नहीं पता चल रहा खास। मैंने हल्दी भी लगाई है, पेस्ट भी लगाया है, सारा कुछ किया, लेकिन ये देखें इस पर पहले दाना था, अब ये वाइट कबूतर पर भी आ रहा है, इस बच्चे पर भी आ रहा है, दो दाने इसके निकले हुए हैं। अब पता नहीं यार इनका क्या बनेगा, ये बचते भी हैं या नहीं बचते, पूरा पूरा मुझे नहीं पता कि इनका क्या होता है। क्या यार सीते हैं, ये तो टूट रहे हैं सारे के सारे। पता नहीं यार, सीमेंट से तो लगाया है मैंने, देखो काम चेक करो, ये सारे गिर रहे हैं पागल इंसान। यार क्या किया सितैन तुमने यार, सारी रात मैंने लगाई है, तुम्हें पता भी है यार। पानी नहीं दिया ना तुमने टाइम पर, पानी नहीं लगाया पानी मैंने, लगाना होता है। ये देखो सारे गिर रहे हैं भाई जान, फिर देखो ना उतार दे सारे, क्यों अब क्या कर सकते हैं। ये देखो ये बाकी ठीक है, अभी इनको हम पानी दे दें। दे दो यार, दे दो।
तो यार अभी तुराब भाई हल मार रहे हैं और पता नहीं अब कब बीज लगाएंगे, ये तो इनको पता। हाँ कोई सीन है आज कल लगाने या अभी टाइम है थोड़ा सा? यार अभी मौसम ठंडा है ऐसे टाइम। हाँ मैं जो सोच रहा हूँ फरवरी के एंड में, मैंने काफी लोगों से पूछा है, वो कह रहे हैं कि फरवरी के एंड में मौसम अच्छा होता है तो तब आपकी सब्जी भी अच्छी होगी। अगर आप अभी बीज दुआएंगे तो क्या होगा कि बीज मर जाता है ठंड की वजह से, उसमें पौधा नहीं बन पाता। तो अब नहीं यार पता क्या करना, आप सब भाई मुझे बताइएगा। मैंने ये भी सुना है दोस्तों कि अगर बीज बो के उसके ऊपर ठंडे मौसम में शॉपर से कवर कर दिया जाए तो सब्जी हो जाती है, तो मैं ये भी सोच रहा हूँ कि उसको कवर कर लें शॉपर से या फरवरी के एंड में लगाएं। तो आप दोस्त मुझे बताइएगा कि हम कब लगाएं। मैं तो कहता हूँ जितना जल्दी हो सके भाई लगाओ, शॉपर लगाना है जो लगाना है लगाओ, लेकिन भाई जल्दी से मैं जो है ना अपना पूरा जो है ना सेटअप हरा भरा देखना चाहता हूँ, सीधी बात है भाई। चलें इसको बिल्कुल सीधा कर लो ना आप सारों को। करता हूँ बस करो भाई, अब क्या टाइलें लगानी है ऊपर, बस हो गया। इतना लेवल भी नहीं होता। ये क्या हो रहा है भाई, लगता है अंडे जल्द ही आने वाले हैं। ये यार हमने कल जो मट्टी बची थी ना एक्स्ट्रा, हमने सारी की सारी इस कोने में डलवा दी है। ये मट्टी दोस्तों मैं सोच रहा हूँ कि जो हमारे मास्टर केज में गमले हैं उनको रिन्यू कर दिया जाए, ताकि हमारे गमले में जो पौधे हैं वो भी अच्छे तरीके से ग्रोथ कर पाएं। हमारे गमले में जो मिट्टी है दोस्तों बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, इसकी वजह से दोस्तों हमारे पौधे ग्रोथ नहीं कर रहे हैं। तो अब हम मिट्टी को भी दोस्तों चेंज कराएंगे, जो हमारे ये गमले हैं सारे के सारे। इसको वापस रख देता हूँ मैं, बेचारा डर रहा है। हाँ जी हाँ जी, चलो ऐसे ले। ये दोस्तों बैठ गया हमारा डव का बच्चा, तो यार हमारी स्ट्रॉबेरी फिंच बेचारी अकेली हो गई है। अब ये अपने पार्टनर को बुलाना चाह रही है, लेकिन यहाँ पर उसका पार्टनर जो था दोस्तों वो भी फीमेल थी, ये भी फीमेल है, लेकिन आपस में फ्रेंड तो थे ना दोस्तों, लेकिन अब बेचारी अकेली हो गई है। तो इसके लिए सोच रहा हूँ दोस्तों मैं मेल लेकर आऊँ, और ये बहुत ज़्यादा तेज़ है, बहुत मुश्किल से दोस्तों हमने इसका ये क्लिप बनाया है, क्योंकि यार बहुत ज़्यादा ये तेज़ होती हैं। तो खैर दोस्तों ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो दोस्तों लाइक लाजमी कर दीजिएगा, और हमारे चैनल शेयर मीडिया को सब्सक्राइब भी लाजमी कर दीजिएगा। मिलेंगे दोस्तों इंशाल्लाह कल एक नए टॉपिक के साथ, कल एक नई वीडियो के साथ। अभी के लिए इजाज़त दीजिए दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।